दोस्तों, बिग बॉस 13 का आज का एपिसोड होने वाला है घर के अंदर मौजूद सदस्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास, क्योंकि दोस्तों आज होगा बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क। खैर, उससे पहले आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा डालो, वरना बाद में आप भूल जाते हो। खैर दोस्तों, आज के नॉमिनेशन टास्क की डिटेल्स लेकर आ गए हैं हम। वही दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप देखोगे नॉमिनेशन टास्क होगा लिविंग एरिया में। वहीं बारी बारी करके एक दूसरे को नॉमिनेट करने के लिए दूसरे सदस्य के चेहरे पर रेड पेंट लगाते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, अब आपको ये भी बता दें कि इस टास्क में एक सदस्य किसी दो सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है। अब दोस्तों, आज के नॉमिनेशन टास्क में तो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा झगड़ा, क्योंकि नॉमिनेट करते वक्त जो जो सदस्य रीजन देंगे वो दूसरे सदस्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले। दोस्तों आपको बता देंगे, रश्मि देसाई करेंगी मायरा शर्मा को नॉमिनेट और उन्हीं के साथ साथ वो कर देंगी शिफाली जरीवालों को भी नॉमिनेट। वहीं रश्मि देसाई मायरा को नॉमिनेट करते हुए रीज़न देंगी कि आप बिल्कुल पारस के बगैर नज़र नहीं आती हो इस शो में, और आप पारस के बगैर कुछ भी नहीं हो। अब दोस्तों, इसके बाद आपको बता दें कि विशालादित्य सिंह भी मायरा को नॉमिनेट करते हुए नज़र आएंगे और वो भी यही रीज़न देंगी कि आप पारस के बगैर इस शो में बिल्कुल ज़ीरो हो। अब दोस्तों, इसके बाद आएंगे आसिम रियाज और वो उसी के साथ साथ मायरा शर्मा और शिफाली जरीवाला को नॉमिनेट करते हुए नज़र आएंगे। वो मायरा के लिए रीज़न देंगे कि मायरा कोई काम वक्त पर पूरा नहीं करती और हमेशा ड्यूटीज़ को लेकर भकेड़ा खड़ा कर देती है। अब वो दोस्तों शिफाली जरीवाला के लिए रीज़न देंगे कि मैं घर के अंदर किसी भी सदस्य से कन्वर्जेशन कर रहा होता हूं, तो आप बीच में आ जाती हो। अब दोस्तों, इसके बाद इन दोनों में तो हमें थोड़ी सी नोकझोंक भी दिखने वाली है। वहीं दोस्तों आपको बता देंगे, रश्मि देसाई के ग्रुप ने जब मायरा शर्मा को टारगेट करते हुए उन्हें नॉमिनेट करवा ही दिया है, वहीं मायरा शर्मा भी कहां पीछे रहने वाली है। मायरा शर्मा आकर मधुरिमा को नॉमिनेट करते हुए दिखाई देंगी और मधुरिमा और विशाल दोनों को ही ये कहती हुई दिखाई देंगी कि आप दोनों एक साथ होकर भी जीरो हो, अगर मैं पारस के बगैर जीरो हूं तो। अब दोस्तों, इसी के साथ साथ हम शिफाली जरीवाला को देखेंगे आसिम रियाज और मधुरिमा को नॉमिनेट करते हुए। शिफाली जरीवाला मधुरिमा के लिए रीजन देते हुए दिखाई देंगी कि आपके इस घर में हरकतों की वजह से घर के अंदर सदस्य काफी ज्यादा परेशान होते हैं। अब इसी के साथ साथ हम पारस चाबरा को देखेंगे शिफाली बग्गा को नॉमिनेट करते हुए। वहीं दोस्तों, पारस चाबरा के साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला भी शिफाली बग्गा को नॉमिनेट कर देंगे। वहीं दोस्तों, अब इस नॉमिनेशन टास्क में तो ये बात साफ जाहिर है कि घर वालों को भी समझ आ चुका है उन्हें किन लोगों को नॉमिनेट करना चाहिए। अब दोस्तों, इन सभी सदस्यों ने घर के अंदर मौजूद वीक कंटेस्टेंट्स को ही नॉमिनेट कर दिया है, और इस टास्क में जहां मधुरिमा मायरा को नॉमिनेट हो ही गए हैं, अब दोस्तों देखना ये होगा कि और कौन कौन होने वाला है नॉमिनेट। खैर दोस्तों, आपको इसी तरह की बिग बॉस 13 की अपडेट्स हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेंगी। उसके लिए आपने करना ये होगा, हमें YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना होगा, क्योंकि हम ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया करेंगे आपके पास सीधा करके नोटिफिकेशन आया करेगी और आपको कोई भी वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगी, इसके लिए आपके पास हो जाएगी आसानी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखना है। गुड बाय दोस्तों।